All right, class. UNV school system and Mansoor Sen is available for you to have the online classes. So today we are going to discuss about do's directive. You know very well that जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो do's directive ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हम बआसानी सेंटेंसेस और उसको मजीद सेंटेंसेस में, मजीद टेंसेस में चेंज कर सकते हैं. Now you can see very carefully. Today we are going to have the lecture 2 of class 7. English grammar ka lecture hai. Do as directed. I am going to read the sentence number 1. She goes to school. This sentence is present simple sentence. Now what we are supposed to do with it? Change into present perfect. Mujhe isko kis mein change karna hai? Present perfect mein change karna hai. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है. आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस थिंग. प्रेजेंट परफेक्ट जब कोई काम मुकम्मल हो चुका है, या कोई काम हमने कर लिया है. शी गोज टू स्कूल. प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं बनाने में. जब आप हाफ ईयरली एग्जाम्स या मंथली टेस्ट में अपियर होते हैं तो इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो आपको दी जाती है. अगर स्टूडेंट्स को इस बारे में इल्म ना हो कि इसको किस तरह हल किया जाएगा, इसको किस तरह चेंज किया जाएगा, तो थोड़ा वो कन्फ्यूज जाता है. तो इससे बेहतर है कि हम इसको घर में प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन क्लासेस से सीखें या टीचर से पूछें इसको किस तरह हल करना है, ये समझ लें. शी गोज टू स्कूल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट है. अब हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. जैसा कि आपको मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो हेल्प वर्ब होता है वो हैज और हैव होता है. हम सब्जेक्ट के मुताबिक इसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं. जैसे कि थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है. जैसे कि द गोज था, गोज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि गॉन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है. तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले के मुताबिक इसको चेंज करेंगे. अगर स्टूडेंट्स को प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला अच्छी तरह याद है, वो स्टडी कर चुका है, माजी में प्रैक्टिस कर चुका है, तो वो इसको बआसानी हल कर सकता है. लेकिन इफ आई स्टूडेंट्स इट्स नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडी, आपको पढ़ने की आदत नहीं, प्रैक्टिस की आदत नहीं, मुताले की आदत नहीं है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं. इससे बेहतर है कि एग्जाम में बैठकर पछताने के बजाय आप उससे पहले इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें, समझ लें, घर में प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें. तो शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है, यानी कि जो एक्शन है वो मुकम्मल हो गया है. अगर आपको याद हो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट किस चीज की बात कर रहा था, वो किसी काम को मुकम्मल होने की बात कर रहा था. इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, इसको चेंज किया प्रेजेंट परफेक्ट में, शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है. इसी तरह तमाम डूएस एक्टिविटी जो स्ट्राइक्स आप देख रहे हैं, इसको डू एस डायरेक्टेड कहा जाता है. और ये क्लास मैट्रिक 9-10 ओ लेवल्स और ए लेवल के पेपर्स में भी इसी तरह आती है. नाउ आई विल रीड सेंटेंस नंबर 2. लिसन केयरफुली, दे आर टेलिंग अ लाई, वो लोग झूठ बोल रहे हैं. अगर आप इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई काम जारी है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है. अब इसे करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल. हमें इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है. जब आपने पहली क्लास ली थी क्लास 7 में, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेली रूटीन, फीलिंग्स, थॉट्स, रिपीटेशन. ये वही चीज है, कोई नई चीज आपके पास नहीं है. क्लास 6 में भी आपने स्टडी किया था. ये हम टेंसेस जो है वो काफी सालों स्टडी करते हैं. क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए, बीकॉम तक हम ये स्टडी कर रहे होते हैं. ये टेंसेस इसी तरह रहते हैं, हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम अच्छे ग्रामेरियन और अच्छे इंग्लिश लिखने वाले, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे लेटर्स एप्लीकेशन लिखने वाले बन जाए जब भी आपको ये प्रैक्टिस करवाई जाती है. जैसे कि आपने देखा प्रेजेंट सिंपल में इसको चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू डज होते हैं. ये भी हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था. लुक एट, दे आर टेलिंग अ लाई, यहां पे फोर्थ फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है. सेंटेंस बेसिकली हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया गया है, चेंज किस में करना है हमको, प्रेजेंट सिंपल में.
जब सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट दे और ऑब्जेक्ट आ लाए, दे टेल अ लाई, वो झूठ बोलता बोलते हैं, यहाँ पे टेलिंग लाया था बोल रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस जारी था जबकि यहाँ पे सेंटेंस जारी नहीं, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, वो झूठ बोलते हैं। इसी तरह कम टू द थर्ड सेंटेंस, आई स्पीक द ट्रूथ, दिस सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, और से देखेंगे सब्जेक्ट है आपकी फर्स्ट फॉर्म, द ट्रूथ एज अ ऑब्जेक्ट है, जहां कहीं भी ट्रूथ होता है वहां उससे पहले हम हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इसको लिखना इसको मेंशन करना भूल जाते हैं, जब वो बकायदा इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो बोलने के दौरान भी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता कि हमें द ट्रूथ से पहले द यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। नाउ वी कैन सी चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हमें इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब कोई काम जारी है, व्हेन समथिंग इज हैपनिंग एट द मोमेंट। यस स्टूडेंट्स लुक एट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, अब जब हम इसको चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो हैपी वर्ब होता है जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया, जब आप बकायदा स्कूल आ रहे थे क्लास में स्टडी कर रहे थे, जब आपने स्टडी किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो हैपी वर्ब होता है वो एज एम आर होता है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हमें याद था माजी में प्रैक्टिस की तो हमें याद रहा आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और स्पीक की आईएनजी फॉर्म यानी कि इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट लिखा द टू और हम आर्टिकल लिखना एज यूजुअल नहीं भूले, हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज किया। नाउ वी कैन सी द एग्जांपल नंबर 4, बहुत आसान होते हैं समझने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जो बच्चे इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहते हैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु नेवर एवर फॉरगेट द ग्रामर एंड टेंसेस। Alright, he is offering prayer. वो नमाज पढ़ रहा है. This sentence is written present continuous. As I told you before that, present continuous is when something is happening at the moment, जब कोई काम जारी होता है. Change into interrogative. सवालिया सेंटेंस को तब्दील करना है. समय आसान जो स्ट्रक्चर होता है वो सवालिया का ही होता है, क्योंकि इसमें क्या आसानी होती है कि हम इसका जो हैपी वर्ब होते हैं वो उसको उठा के शुरू में ले आते हैं और वो सवालिया बन जाता है। आइए हम आपको समझाते हैं। लुक एट द बोर्ड एवरीवन, ये इसका हैप्पी वर्ब है, हम इसको उठा के यहाँ शुरू में ले आए और बाकी पूरा सेंटेंस जब यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ हम इसको नहीं लिखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस इसी तरह लिखा हुआ है। देखें, इज ही ऑफरिंग प्रेयर, क्या वो नमाज पढ़ रहा है, ये जो हैप्पी वर्ब था हम इसको शुरू में ले आए तो ये सवालिया बन गया, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी क्योंकि उसने हमें कोई टेंस चेंज करने को नहीं कहा, जो राइटर है जो सवाल करने वाला है उसने कोई टेंस चेंज करने को नहीं कहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है कि आपने इसका सेंटेंस की जो फॉर्म है जो सेंटेंस टाइप से वो आपने चेंज करनी है, तो इसीलिए चेंज इनटू इंटरोगेटिव हमने इसको सवालिया में चेंज किया। इज ही ऑफरिंग प्रेयर, क्या वो नमाज पढ़ रहा है, इसी टू अंडरस्टैंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात सारी चीज समझ में आ रही होंगी। नाउ वी आर सपोज टू लुक एट द एग्जांपल नंबर 5, यू कम ऑन टाइम, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, एज रिमेंबर दैट प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चेंज इनटू नेगेटिव, इसी तरह ये सेंटेंस भी जो है वो हमें किसी टेंसेस में चेंज नहीं करना, हमें इसको सेंटेंस टाइप में चेंज करना है, इसको भी चेंज करना बहुत आसान होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल स्टडी किया और उसके हैप्पी वर्ब थे डू डस, डस का इस्तेमाल जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है जबकि डू का इस्तेमाल आई यू वी दे और प्लुरल नाउन के साथ होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, अगर आप कुछ माजी के हवाले से ग्रामर भूल चुके हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स की आपकी प्रैक्टिस हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप डू एज डायरेक्टेड नहीं कर सकते। कम टू द पॉइंट, एज आई टोल्ड यू दैट हमें इसके हैप्पी वर्ब अच्छी तरह याद रखने हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में यू के साथ डू आता है तो इसीलिए हमने क्या किया, यू डू नॉट कम ऑन टाइम, आप वक्त
पे नहीं आते हैं, तो हमने यहाँ डू लगाया और हमेशा हैप्पी वर्ब के बाद नॉट यानी कि दिस सेंटेंस में निगेटिव रिफ्यूजल लिखा जाता है, इसलिए हमने यू डू नॉट कम ऑन टाइम, आप वर्क पर नहीं आते हैं। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू एवरी स्टूडेंट टिल क्लास 5 टू क्लास 8, इट इज वेरी इजी इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू राइट, इफ यू मैच सेंटेंस एट योर होम बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह इंशाल्लाह इन द एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स और हाफ ईयरली एग्जाम्स, यू आर नॉट एबल टू गेट स्टक एनीवेयर। स्टडी, प्रैक्टिस, मेंशन योर नेम इन कमेंट बिकॉज़ यू विल बी गिविंग द 5 मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स। Then you people are supposed to pray for you and me school system and to me to Mansoor Hussain. Thank you very much.